अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कड़ी पकोड़े की रेसिपी। बहुत डिलीशियस बनकर तैयार हो जाती है फ्रेंड, बहुत टेस्टी। बारिश के मौसम में तो इसका खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो हमारे तरीके से हम आपके साथ शेयर कर रहे रेसिपी, आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। बहुत डिलीशियस बनकर तैयार हो जाती, बहुत टेस्टी लगती है। हम पकौड़े भी दिखाने वाले हैं साथ में, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लेकर रखी हुई है। तो इसके अंदर पतीले में हमने 300 ग्राम दही लिया है, और पकोड़े के लिए भी बेसन आटा, और इसमें डालने के लिए एक ही जगह रखा है हमने। नमक लिया है 2 चम्मच, जीरा लिया है, हरा धनिया लिया है छोटी गड्डी, पकोड़े में भी डालना है हमको। और यहाँ पर हमने प्याज कट करके रखी हुई है, ये हमको पकोड़े के लिए हमने कट की है, और ये हम कड़ी को बकार लगाएंगे तब चाहिए हमको। तो ये हमारी 3 प्याज है, और ये बड़ी साइज़ की 1 प्याज है। थोड़ी सी ली हमने हरी मिर्च और लहसुन, यहाँ पर इसका हम दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे नमक डालकर। थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे इसके अंदर, और कड़ी पत्ता लिया यहाँ पर। पहले हम एक पतीला ले लेते हैं और इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। देखिए 1 चम्मच डाल दिया हमने, बाद में चेक कर और डालेंगे। और ये बेसन आटा डालेंगे, फुल भरकर डाला है हमने 1 और आधा, और इसको दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है, लम्स नहीं बनने देना है। इसी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं होंगे। आराम से अच्छे से मिक्स कीजिए आप इस तरह से, पानी बाद में ऐड कीजिए, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए दही और बेसन आटा नमक। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो 1/2 लीटर पानी ऐड करेंगे हम पूरा इसके अंदर, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमने छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें हम हरी मिर्च और लहसुन ऐड करेंगे, ये हमने धो कर रखा हुआ है। और इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे, क्योंकि हमको पकोड़े में भी यही पेस्ट डालना है और कड़ी में भी। नमक ऐड करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर दरदरा सा ही पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हल्दी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हल्दी को। इसी टाइम में हल्दी ऐड करना है इसके अंदर। अभी हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, बाउल में हम प्याज डालेंगे इस तरह से, हमने कट किए पकोड़े के लिए प्याज, 3 प्याज है ये हमारी। अभी हम इसके अंदर बेसन आटा ऐड करेंगे, कम होगा तो बाद में डाल लेंगे, पहले इतना हम अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और ये ज़ीरा डाल देते हैं, ज़ीरे से बहुत अच्छा पकौड़ों में टेस्ट आ जाता है। तो ज़ीरा डाल दिया हमने, आप इसके अंदर अजवाइन भी डाल सकते हो, लेकिन हमको ज़ीरे का ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो हम ज़ीरा ही डालते हैं। आप ज़ीरा डालिए, अजवाइन डालिए, जो आपको पसंद है आप डाल लीजिएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने दरदरा इसको पीसा है। तो आप भी इसको फ्रेश ही तैयार कीजिए, फ्रेश से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी हम 1 ही चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे, ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और 1 ही चम्मच हम कड़ी में ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से, इसमें 1 चम्मच डाला है हमने, और इसमें 1 चम्मच, दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बच्चे लोग को भी खाने होते हैं, इसके लिए बच्चे लोग को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिर्च नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो सब कुछ। पहले हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच से इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। खाने वाला सोडा भी मिक्स करना है इसके अंदर, और ये कड़ी वाले में भी थोड़ा सा चम्मच चला लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। अभी हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। इस समय आप नमक चख सकते हो, मिर्च चख सकते हो, कम हो तो डाल लीजिएगा। अभी हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे।
अभी हम इसके अंदर खाने वाला सोडा ऐड करेंगे, तो हमने आधा चम्मच लिया है। एकदम सॉफ्ट और एकदम फूले फूले पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये जो हमने बचा लिया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने माप कर ही लिया था। पहले इसको अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चम्मच से इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, तो हाथ से करना है इसको, और ज़्यादा बेटर भी पतला नहीं करना है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिए। इसको तैयार कर लिया है, आराम से इसके पकोड़े हम छोड़ सकते हैं। इधर हमने कड़ी बॉईल होने के लिए रखी है और इधर हमने तेल गरम होने के लिए रखा है। तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, अभी हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो जितने हमारे पैन में इजीली आ पाए उतने ही छोड़ेंगे, थोड़े बड़े बड़े ही छोड़ेंगे। तो छोड़ दिए हमने, जितने इजीली पैन में आ पाए उतने पलट देंगे। फूल कर ही डबल हो जाएंगे, आप देख लीजिए। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसको निकाल देंगे, उलट पलट कर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं ये फूल कर, एकदम स्पॉन्जी बनकर तैयार हो जाते हैं और कड़ी को इतना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है। अब इसी तरह से हम सब बाकी के पकौड़े हमारे फ्राई कर लेंगे। कड़ी हमारी दूसरे गैस के ऊपर बॉईल हो रही है अच्छे से, उसको भी हमने मीडियम फ्लेम पर किया है। उसको भी चलाते रहना है, ध्यान रखते रहना है, उसके से ध्यान हटाना नहीं है। तो आप देख सकते हो ये वाले भी पकोड़े हमारे हो चुके हैं, अभी हम इसको भी निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो कितने फूले फूले हमारे पकोड़े बन चुके हैं, हम आपको तोड़कर भी दिखाएंगे अंदर से। अभी आप देख सकते हो कढ़ाई में हमने 2 चम्मच फूल भरकर तेल ले लिया है और उसके अंदर जो हमने प्याज कट करके रखी हुई थी वो ऐड कर दी है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। अभी और भी चीज़ें हमको इसके अंदर ऐड करनी है, तो हम ऐड कर देते। 1 चम्मच लिया हमने यहाँ पर जीरा, ये ऐड कर देंगे। 2 लाल मिर्च ली हमने, ये ऐड कर देंगे। और कड़ी पत्ता हमने धोकर पोंछ लिया है इसको, ये ऐड कर देंगे। तो कड़ी पत्ता हम धोकर ही ऐड करते हैं, जो भी धूल मिट्टी होती है वो निकल जाती है। तो आप भी धोकर पोंछ कर ऐड कीजिए, पहले उसको अच्छे से धो लीजिए और सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। गिल्ला डाल दोगे तो फिर तेल बहुत उड़ने लग जाता है, तो पहले सूखे कपड़े से पोंछ कर फिर डालिएगा। हम उसी तरह से करते हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम, ब्राउन होने तक फ्राई करना है प्याज को और कड़ी पत्ता भी क्रिस्प होने तक। तो आप देख सकते हो एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज और कड़ी पत्ता भी अच्छे से क्रिस्प हो चुका है, देख सकते हो आप। ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है और तेल आपके हिसाब से डाल लीजिएगा कितना आपको पसंद हो तड़के में। अभी हम ये तड़का कड़ी के अंदर ऐड कर देंगे। तो कड़ी हमारी तब से पक रही थी, बहुत अच्छे से पक चुकी है। नमक हमने चख लिया, नमक थोड़ा सा कम है तो नमक ऐड कर देंगे, आप भी इस समय नमक चख लीजिएगा। इसको मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से पक चुकी है ये। अभी हम इसके अंदर पकोड़े ऐड करेंगे। पकोड़े जितने चाहिए उतने ऐड कीजिए आपके हिसाब से, और हम तोड़कर दिखाना चाहेंगे आपको, देख सकते हो आप कितने अच्छे से अंदर से हो चुका है हमारा पकोड़ा।
तो सभी पकोड़े हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़े से बच्चे लोग इसी ऐसे ही खाते हैं तो ऐसे ही थोड़े रहने देंगे, बाकी के सब इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। पकौड़े डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अभी हम इसके अंदर तड़का ऐड करेंगे। और इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से तड़के को। तो ये कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है, सब कुछ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी कुछ भी इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका लुक देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अभी से देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अभी हम इसको ढक कर रख देंगे, एक साइड में हम चावल तैयार कर लेंगे। कढ़ी चावल के बिना तो अधूरी है, तो गर्मा गर्म चावल बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर एक चम्मच हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, हम तो बघारी चावल ही खाते हैं। एक चम्मच तेल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई करना है कच्चापन जाने तक, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप जरूर फ्राई करके देखिए। इस तरह से बघारे चावल अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। हम बारीक वाला ही चावल खाते हैं तो वो हिसाब से हमको पानी ऐड करना है, आपके हिसाब से कीजिएगा। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से, और इसमें अभी बॉईल आ जाएगा। फटाफट हम चावल धोकर इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है, चावल भी हमने धो दिए, चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बारीक वाला चावल है हमारा, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको एक टाइम इस तरह से चलाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं चलाओगे तो फिर वो नीचे लग जाते हैं। तो इस तरह से अच्छे से पहले इसको चला लीजिए और 2-3 मिनट इसको इस तरह से पकने दीजिए, फिर इसका ढक्कन बंद करेंगे। तो कुकर का ढक्कन हमने बंद कर दिया था, 2 सीटी में आ चुकी है, चावल हमारे पककर तैयार हो चुके हैं, चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं, 2 सीटी में चावल हो जाते फटाफट से। एक बार आप इसको ज़रूर से चला लीजिएगा और आप देख सकते हो इस तरह से खिला खिला चावल, ये हमारा बारीक वाला चावल है, हम यही खाते हैं रोज़ डेली यही खाते हैं। हम बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो तब हम फिर राइस सेला राइस बनाते हैं। तो आप देख सकते हो दस्तरखान लग चुका है, देख लीजिए आप इस तरह का दस्तरखान हमारा। आप लोग भी आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, ये गर्मा गर्म चावल, और ये इसी तरह से रहने दिए हमने थोड़े से भजिए, बच्चे इसी तरह से खाना पसंद करते, ये पकोड़े भजिए दोनों नाम से बोलते हम इसको। और ये रोटी भी बना ली थी हमने थोड़ी सी कढ़ी, तो हमने आपको पूरी रेसिपी दी है कढ़ी की, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और कुछ आम और पपैया यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए हमारी कढ़ी की रेसिपी। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, आप लोग भी आइए हमारे साथ में बिस्मिल्लाह कीजिए। तो ये देख सकते हो आप पकोड़ा, हम आपको तोड़कर दिखाना चाहेंगे कितना स्पॉन्ज और कितना सॉफ्ट हो चुका है और कितना अपने अंदर कढ़ी एब्जॉर्ब हो चुकी है, ये देख सकते हो आप। हम आपको कढ़ी में भी तोड़कर दिखा रहे हैं, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए कढ़ी की रेसिपी, बहुत बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाती फ्रेंड्स। इस बारिश में एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये देख सकते हो आप। और ये चावल और कढ़ी, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा बाहर का बारिश का नज़ारा देख लीजिए आप, कितनी बारिश हो रही थी। तो हमारे आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे ब्लॉग और हमारी रेसिपी आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।